हेलो एवरीवन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम देख रहे हैं रिलेशंस का टॉपिक और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम पहले देख चुके हैं कुछ रिलेशंस, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है, या तो आप इसको सिंपल टर्म्स में कह सकते हो, अगर एक रिलेशन आर, एस और टी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो उसको हम कहते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर से क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दैट इज़ फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, उस रिलेशन में ए ए करके भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एस से क्या आएगा, सिमेट्रिक, इसका मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। टी का मतलब है ट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। हम इन तीनों को देख चुके हैं पहले डिटेल में। तो हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन की, अ रिलेशन आर इज़ एन इक्विवेलेंट रिलेशन इन सेट ए इफ़ एंड ओनली इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर इज़ सिमेट्रिक, आर इज़ ट्रांजिटिव। और उसको हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस आर एस टी, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या अंडरस्टैंड किया। सबसे पहला आता है हमारे पास एक नल, मतलब कि एम्प्टी रिलेशन, और मैंने सेट लिया ए जिसके अंदर ए बी सी हैं। अब एम्प्टी रिलेशन है, कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा, नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि मेरे पास ये वाले पेयर ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन में ये तीन पेयर जरूर मिलेंगे, आप ये बात का ध्यान रख के चलो इस क्वेश्चन के टर्म्स में। तो इसके अंदर नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें ये तीनों तो हैं, दैट मीन्स इसकी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी तो ट्रू प्रूव हो गई कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ, तो दैट मीन्स अगर ए ए है तो वो कह रहा है कि बी ए, यानी ए ए होना चाहिए, वो हमारे पास सब में है ही, सो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी होगा। और अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव में मैंने पहले अभी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था कि अगर ए बी और बी सी दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ए सी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं तो ये ज़रूर होनी चाहिए, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब अगर ये तीनों हैं तो डैट मीन्स दिस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ए ए बी बी सी सी, दैट मीन्स सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, सॉरी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, देखो इन तीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बी ए है तो डैट मीन्स ए बी भी होना चाहिए था, बट ए बी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये हम सीधा कह देंगे इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं आगे चेक ही नहीं कर रहा कि इसके अंदर हमारे पास ट्रांजिटिविटी है यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा सीधा, ठीक है। सो अब आगे के और ये तीन देखते हैं हम, तो इसमें देखते हैं ए ए है बट देखो बी बी नहीं है, सी सी नहीं है, सो दैट मीन्स ये तो सिंपल हमारा रिफ्लेक्सिव भी फॉलो नहीं कर रहा, सो रिफ्लेक्सिव भी फॉलो नहीं कर रहा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, सिंपल है। अब ये देखते हैं ए ए बी बी सी सी, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, है मेरे पास ए सी है तो सी ए होना चाहिए, सी ए बी है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है, तो देखो ट्रांजिटिविटी निकालने के लिए मुझे उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि ए बी है बी ए है तो ए ए होना चाहिए, वो है हमारे पास, और अगर मैं कहता कि बी ए है ए बी है तो बी बी भी होना चाहिए, वो भी है हमारे पास, ऐसी ए सी है सी ए है तो ए ए होना चाहिए, है हमारे पास। अगर मैं पहले लेता इसको, यानी सी ए है ए सी है तो सी सी होना चाहिए, वो भी है हमारे पास, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिविटी को भी फॉलो कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब लास्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ही आपके पास, दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली फॉलो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी, और जब ये तीनों को फॉलो करेगा तो ये इक्विवेलेंस भी होगा।
क्लियर। तो ये इक्वेलेंस रिलेशन था, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आपको इससे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इक्वेलेंस रिलेशन की। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।